हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द जीकेज ऑनलाइन स्टडी। टुडेज आवर लेसन इज आउटस्टैंडिंग राइटर्स। सी, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ लिटररी मास्टरपीसेस अलोंग विद द पिक्चर्स ऑफ देयर क्रिएटर्स। दीज आर सेलिब्रेटेड राइटर्स हु ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द 21st सेंचुरी। आइडेंटिफाई देम यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखो बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर कुछ राइटर्स के कुछ ये है, जिसे हम कहेंगे कि लिटरेचर कुछ ना कुछ तो भी लिखे वाला है, इन्होंने बुक्स है उनके तो। और नोबेल प्राइज जो कि लिटरेचर जगत का सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, तो वो इनको मिले वाला है जो कुछ भी ये पिक्चर्स है। अब उनके नाम के साथ हमें क्या करना है, उनके नाम है नीचे और उनका जो कुछ भी लिटरेचर है ये ऊपर है, तो हमें सिर्फ ऑप्शन में लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही लिख के रखा है आपकी जानकारी के लिए, फिर से हम देखेंगे एक बार की अब ये पिक्चर पहला कौन सा है, हमें तो नाम मालूम नहीं है, पर इसका ऑप्शन है ये भी 2 नंबर, द स्वीटेस्ट ड्रीम। स्वीटेस्ट ड्रीम लिखा है इन्होंने, तो इनका नाम देखेंगे। डी नंबर का ऑप्शन कौन सा है, डोरिस लेसिंग। इनका नाम है डोरिस लेसिंग और इन्होंने लिखा है द स्वीटेस्ट ड्रीम। समझ में आया आपको, ऊपर उनके लिटरेचर है, नीचे उनके नाम है, बीच में उनके पिक्चर्स है, तो हमें ऑप्शन लिखने इनके। अब 7th नंबर का कौन सा है, द सौरो गोंडोला। द सौरो गोंडोला लिखा किसने है, एच नंबर का ऑप्शन है इनके, थॉमस ट्रांसट्रोमर। थॉमस ट्रांसट्रोमर इन्होंने लिखा है द सौरो गोंडोला। अब थर्ड नंबर पे पिक्चर जो है वो है किनका है, थर्ड नंबर पे पिक्चर ई नंबर का, एलिस मुनरो। ये है एलिस मुनरो और इन्होंने क्या लिखा है, द लव ऑफ अ गुड वुमन। द लव ऑफ अ गुड वुमन इज रिटन बाय एलिस मुनरो। नाउ द 4th नंबर पिक्चर इज, पर इनका लिटरेचर देखिए कौन सा है, 8 नंबर का है इनका, स्लो मैन। स्लो मैन इज रिटन बाय जी नंबर ऑप्शन, जे एम क्वाइट जी इन्होंने लिखा है द स्लो मैन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर 5 नंबर का पिक्चर है, वो है अरहन पामुक का, अरहन पामुक। तो इन्होंने लिखा है द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस। द लिटरेचर म्यूजियम ऑफ इनोसेंस इज रिटन बाय अरहन पामुक। आफ्टर दैट मोयान, ये जो 6 नंबर का पिक्चर है, सॉरी 5 नंबर का पिक्चर है, ओके 6, मोयान इन्होंने लिखा है रेड सॉर्गम। ये जो लिटरेचर है ये लिखा है मोयान इन्होंने। आफ्टर दैट 7 नंबर, ये तो ऑलरेडी लिखे हमें दिए वाला है इसमें, कि एफ नंबर का वीएस नायपॉल, इनका नाम है वीएस नायपॉल और इन्होंने लिखा है द एनिग्मा ऑफ अराइवल। द एनिग्मा ऑफ अराइवल इज रिटन बाय वीएस नायपॉल। एंड लास्ट 8 नंबर पिक्चर इज हर्टा म्यूलर और इन्होंने राइट किया वाला है द हंगर एंजल। वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स दैट वी सीन टुडे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमारे 11 से 17 तक जो कुछ भी आपके आंसर कीज है मैं आपको वो कल ग्रुप पे डाल दूंगा। थैंक यू।